बाबा बाबा सोहम दादा का कुछ पता चला? आई कहाँ है? अंदर अपने कमरे में, न जाने कब से रोए जा रही है, बहुत थक गई है। मैंने उसे अंदर आराम करने के लिए भेजा है। बाबा आई कहती है कि जब आपकी सारी उम्मीदें खत्म हो जाए ना, तो एक बप्पा ही है जो आपका साथ देते हैं, और इससे बड़ा शुभ शगुन क्या हो सकता है कि वर्षा मौसी को पप्पा के पंडाल में देखा गया। मुझे तो लगता है कि पप्पा भी यही चाहते हैं हमारे दादा हमें वापस मिल जाए और हमारा परिवार एक हो जाए। हमें पप्पा पे भरोसा रखना होगा। हाँ तेजू, मुझे पप्पा पर पूरा भरोसा है, पर पप्पा का आशीर्वाद तो हमारे साथ है ही, लेकिन मैं अपनी कोशिश में कोई भी कमी नहीं रहने दूंगा। सोहम को किसी भी हाल में वापस लाकर ही रहूंगा। बाबा बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिस तरह आई हमारी जिंदगी में वापस आ गई ना, मुझे यकीन है सोहम दादा भी हमारी जिंदगी में वापस आ जाएंगे। अब आप आराम कर लीजिए। गुड नाइट। गुड नाइट। बाबा आज दाल कितनी टेस्टी बनी है ना। बिल्कुल वैसे जैसे आज ही बनाती है, लाल मिर्च दाल। तभी तो दाल इतनी टेस्टी बनी है। अरे तू खा क्यों नहीं रही है? कुछ नहीं बाबा, मैं सोच रही थी कि पिछले 5 दिनों में कितना मजा आया ना गणेश उत्सव में। पूरा परिवार एक साथ था, अर्जु आत्या, मानव काका, ओवी, तेजू, पूर्वी, आजी। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे जैसे बचपन के दिन लौट आए। कैसे हम सब साथ में गणेश जी की आरती करते थे, पूजा करते थे, है ना। और आपको पता है सबसे ज्यादा मुझे क्या याद आया? आजी जो हमसे कितना प्यार करती है। पता है आपको, वो मेरे लिए पुरन पोली बनाती थी, आई के डांट से बचाती थी, और चुपचाप से हम सबको घूमने भी ले जाती थी। अभी वो दिन बहुत मिस करता हूँ पुन्नी। बताए तुझे, जब मैं 14 साल का था तो मैंने बाबा से कहा कि पप्पा की पूजा मैं करूंगा, और बाबा ने मना कर दिया था, लेकिन आई ने उन्हें समझाया कि करने दीजिए इसे पूजा, आगे चलकर इसे ही तो परंपरा निभानी है। लेकिन अब दुख इस बात का है कि वो परंपरा निभाने के लिए मैं उस घर में ही नहीं हूं। जब भी हम पापा की मूर्ति सेलेक्ट करने के लिए जाते थे तो अक्सर मेरे और बाबा के बीच में झगड़ा हुआ करता था, और आई बाबा को समझाती थी, और फिर हम सब मिलकर मूर्ति सेलेक्ट करते थे। अभी वो दिन बहुत मिस करता हूँ। क्या बात है पुन्नी, तूने तो बाबा की दुखती नस पर ही हाथ रख दिया। अब बाबा, मैं जानती हूँ आप आजी को बहुत मिस करते हो। कितना अच्छा होता ना अगर हम सब साथ रहते तो। तू ठीक तो है ना? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा, या फालतू बकवास कर रही है? देख पुन्नी, अब मैं वापस वहां पर जाने वाली नहीं। वो रोज रोज की किचकिच अब मुझे अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए। हम लोग त्योहार साथ में मनाते हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन वहां पर जाकर है ना, ये बात अपने दिमाग से निकाल देगी ना तो ज्यादा बेहतर है। वो भी अपनी जिंदगी में खुश और हम भी अपनी जिंदगी में खुश। आई मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी। ये तेरा बस यूं ही ना, मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। चुपचाप खाना खा। पूर्वी। अरे हाय आजी, देख मेरे लिए क्या लेके आई। तेजू तू इस तरह अचानक क्यों? मेरी आजी का घर नहीं है, जब मन करे मैं आ सकती हूँ। नहीं आ सकती क्या? बिल्कुल आ सकती हूँ। मुझे पता हमारे सोहम के बारे में
और उस औरत के बारे में कुछ पता चला? ओहो आजी, चेयर अप। वहां पे आई और बाबा है, वो इतने सीरियस इतने परेशान हो रहे हैं, और यहाँ पे तुम दोनों। इतना सीरियस मत हो, बप्पा है ना हमारे साथ, आई एम श्योर सोम दादा जरूर घर वापस आ जाएंगे। आजी इतने दिन हो गए, तेरे हाथ की अदरक वाली चाय नहीं पी, बहुत मिस करती हूँ, अभी भी लेती हूँ। अरे आजी बातों ही बातों में तो तू पूछने ही भूल गई, मैं दिल्ली क्या लेके आई हूँ? क्या लेके आई? गर्मा गर्म समोसे। तेजू तूने फिर से बाहर का खाना शुरू कर दिया, आजी तुझे डांटती क्यों नहीं है? ये सब खा के तुझे दोबारा से बीमार पड़ना है। ओहो ठीक है ना, बीमार ही तो पड़ना है, बीमार पड़ जाएंगे। अरे? इस बार कम से कम घर वालों की अटेंशन तो मिलेगी, आप लोगों का प्यार मिलेगा जैसे पहले मिला करता था। सुन, इसके लिए बीमार पड़ने की कोई जरूरत नहीं, हम सब लोग तुझे वैसे भी बहुत प्यार करते हैं। अच्छा तो ठीक है, तो समोसे कैंसिल, सिर्फ गर्मा गर्म अदरक वाली चाय और ढेर सारी गपशप। तेरी गपशप तो चलती रहेगी, लेकिन मुझे मंदिर भी होके आना है। मंदिर? तू मंदिर जा रही है? मैं भी चलूं? हाँ चल ठीक है, मैं आती हूँ। चल मैं तेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। Yes, Mr. Kelka. Right, I think आपकी और हमारी जो मीटिंग है अगले हफ्ते दिल्ली में, और मेरी पीए ने उसकी सारी की सारी डिटेल्स आपको मैसेज की है। तो आप just get back to me by tomorrow. Thank you. अर्जुन, वो मैंने मिस्टर मेहता के साथ मीटिंग फिक्स कर ली है नेक्स्ट वीक की, और आज की मीटिंग के लिए भी मैंने प्रेजेंटेशन रेडी कर लिया है, मैं तुम्हें कार में ब्रीफिंग दे दूंगी। ओवी, इट्स एक्चुअली ओके, तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? मतलब आज तो मीटिंग भी है ना? या मीटिंग्स हैं, और आई थिंक कि मैं ये सब हैंडल कर लूंगा। ऑनेस्टली ऑल आई मीन टू से इज कि इस वक्त ऑफिस से ज्यादा आई और बाबा को तुम्हारी जरूरत है, बिकॉज आई बाबा जिस सिचुएशन में है उस वक्त उन्हें तुम्हारी ज्यादा जरूरत होगी, राइट? सो ये ऑफिस का काम आई कैन हैंडल, तुम्हें इन सब चीजों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जस्ट गो अहेड और आई बाबा को अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम दो प्लीज। अर्जुन, आई गेस तुम सही कह रहे हो, आई और बाबा को सच में मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है। तुम्हें पता है तेजू का सुबह सुबह फोन आया था, बता रही थी कि आई और बाबा पूरी रात नहीं सो पाए, और आई तो पूरी रात रोती रही, मुझे उनकी बहुत टेंशन हो रही है। Yeah. Well, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। Okay. और मैं प्रेजेंटेशन की ब्रीफिंग भी तुम्हें कार में दे दूँगी। All right. तो मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करता हूँ। Okay. And thank you. Mr. मेहता के साथ एडवांस में मीटिंग फिक्स करने के लिए। Right? I appreciate. अर्जुन, तुम्हारा दिल जीतने के लिए मुझसे जो हो पाएगा मैं वो सब करूंगी, और हमारे रिश्ते को फिर से उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर दूंगी जिस पर वो था। I'll win you back, अर्जुन। अरे विनी सुन, मेरे प्रसाद बाकी मुझे बांट देना, ठीक है? थैंक यू विनी।
अर्चना जी, हो सकता है होश में आने के बाद इन्हें थोड़ी सी वीकनेस फील हो, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं। बस आपको आज के बाद से थोड़ी सी सावधानी ज्यादा बरतनी पड़ेगी। इनको कभी भी आप अकेला घर में नहीं छोड़े। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैं ही आई को इस तरह अकेले छोड़ के गई थी। मुझे नहीं जाना चाहता। अर्चना, अर्चना जी, आप रोइए मत। बस अब थोड़ा सा इनका ज्यादा ध्यान रखिए। लाइए, मैं पूछूं। आइए। आई, मैं जानती थी कि ऐसा ही कुछ होगा। आई, मुझे इस बात का पहले से ही डर था। मेरी गलती है। मुझे आई को इस तरह अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। दहीपुर, इसमें तेरी कोई गलती नहीं। तू तो थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी और हाँ, तो आई तूने देखा ना, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गई और यहाँ आ जी। गलती मेरी है जो मैंने आई को इस तरह अकेले छोड़ा। मुझे आई को अपने साथ ही ले जाना चाहिए था। मैं यही चाहती थी कि आई अपने परिवार के साथ रहे, खुश रहे और साथ ही साथ सुरक्षित रहे। लेकिन तो आई, हम आजी के परिवार को यहाँ क्यों नहीं ले आते? मैं विनोद मामा और उनके परिवार की बात कर रही हूँ। हम उन्हें यहाँ ले आएंगे तो आजी को उनका प्यार भी मिलेगा और वो सब खुश भी रहेंगे। और जहां तक बात है आजी की सेफ्टी की, तो उसे लेकर भी हम निश्चिंत रहेंगे। आई नहीं, पूर्वी, आई इस बात के लिए कभी नहीं मारे, कभी नहीं। मगर आई, एक बार हम आजी से पूछ तो सकते हैं ना। पूर्वी, पानी। पूर्वी, तू जा, आजी को होश आ गया, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ। आजी, आजी तू लेट जा, उठ मत, लेट जा आराम से। चिंता मत कर, अभी मैं ठीक हूँ। मैं जानती हूँ तो क्या पूछना चाहती। देख बेटा, गलती मेरी है। मेरी दवाई खत्म हो गई अगर, और मैं तुझे बताना ही भूल गई। लेकिन आइंदा से ऐसा नहीं होगा, मैं तुझे पहले ही बताया करूंगी। हाँ, तू चिंता मत कर, मैं ठीक हूँ। आराम से, ये ले पान। अरे अर्चु, मानव, अब कैसी तबीयत है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम दोनों कब आए? बस अभी भी आए। आई वो तो अच्छा हुआ, पूर्वी वक्त पर घर पहुंच गई। पूर्वी ने अर्चना को फोन करके बताया, फोन पर बहुत घबराई हुई थी आई। अगर उसने फोन नहीं किया होता तो हमें तो पता ही नहीं चलता। आई, मैंने तुझसे कितनी बार कहा, तेरी दवाई खत्म होती तो मुझे बताया कर, मैं दवाई ला कर दूंगी। तो इस तरह क्यों करती है? दूसरों को कहती है कि अपना अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, और अपनी खुद की सेहत का तो कभी ख्याल नहीं रख। अर्चु, क्यों इतनी चिंता कर रही है बेटा? मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। आई, ऐसा कब तक चलता रहेगा? अच्छा हुआ पूर्वी वक्त पर घर पहुंच गई और आप ठीक हो। लेकिन अगर कभी पूर्वी घर पर नहीं पहुंच पाई और आपको फिर से दमे का दौरा पड़ा, फिर? अरे, ऐसी तो नौबत ही नहीं आएगी। मैं अपना ख्याल रखूंगी ना। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता आई। अर्चना, आज से तुम आई का ख्याल रखोगी। मैं तुम्हारा सामान यहीं भिजवा देता हूँ। आई की दवाइयां, खाना पीना, सब का ध्यान तुम रखोगी। और आई अगर तुम्हें बताना भूल जाती है कि उनकी दवाइयां खत्म हो गई, तो तुम ध्यान रखना। नहीं नहीं, अर्चु को यहाँ आकर रहने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपना ख्याल रखूंगी। और वैसे भी तुम दोनों की गृहस्थी अभी अभी तो फिर से शुरू हो गई। ऐसे में अर्चु वो सब छोड़कर यहाँ आकर मेरे पास रहेगी, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहती। आजकल तो तुम दोनों को वर्षा और सोहम की भी चिंता, ऊपर से मेरी चिंता। तुम ऐसा बिल्कुल मत करो। ठीक है, तो यही चाहती है ना कि मैं यहाँ नहीं रुकूं, तो तुझे मेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्या? तो विनोद दादा को घर वापस ले। नहीं अर्जु, ये नहीं हो सकता। लेकिन क्यों आई?
आई तेरी इतनी तबीयत खराब रहती है, यहाँ कोई नहीं रहता, वो तो पूर्वी समय पर आ गई। वरना अरे कुछ नहीं हुआ मेरी तबीयत को, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जो तो समझने की कोशिश कर, विनोद मंजुषा को यहाँ लेकर आएगा तो मेरी परेशानियां और बढ़ेंगी। लेकिन उठते बैठते मंजुषा मुझे ताने मारेंगी, वो सुनकर मेरी मेरी तबीयत और खराब हो जाएगी। तू सब भूल गई क्या अर्जुन? और विनोद भले ही मेरा बेटा है, लेकिन जब से ये घर छोड़कर गया है उसने पलट कर कभी देखा कि उसकी माँ जिंदा है या मर गई? मैं नहीं चाहती हूँ ऐसे लोगों की मदद। बस मैं जानती हूँ कि दादा से बहुत सारी गलतियां हुई, लेकिन आई आई अब दादा को अपनी गलतियों का एहसास है। आई उनकी आंखों में वो चीज दिखती है कि कहीं ना कहीं उन्हें उन्हें लगता है कि उन्होंने तेरे साथ गलत किया है और वो वापस आना चाहते हैं। और ये तो अच्छे से जानती है, अपने परिवार से वो इतने सालों तक दूर रहे, परिवार से दूर रहने का दर्द क्या होता है ये मैं जानती हूँ ना। और तुझे पता है कि मैंने कितना कुछ सहा। क्या तू चाहती है दादा भी वो सारी चीजें सहे? प्लीज आई, प्लीज मेरी बात मान। ठीक है, अगर तुम दोनों यही चाहते हो तो यही सही। अर्चना, हमारा प्लान कामयाब रहा। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है मान। अगर आप आई को इस तरह नहीं कहते तो शायद आई कभी नहीं मानती। लेकिन आपको पता है, एक पल के लिए मैं बहुत डर गई जब आपने ये कहा कि मैं यहीं रुक जाऊं और आप मेरा सारा सामान पहुंचा देंगे। मुझे ऐसा लगा कि कहीं आप मुझे फिर से छोड़ तो नहीं देंगे। तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो? मैंने ऐसा कहा क्योंकि यही एक रास्ता था सुलोचना आई को कन्विंस करने। मैं जानती हूँ मानो, लेकिन आई को इस तरह कन्विंस करना आसान नहीं था मानो। वो कभी नहीं मानती कि विनोद दादा इस घर में वापस आकर। और एक तरह से आई सही भी है मानो, विनोद दादा ने इतनी गलतियां की कि आई का इस तरफ माफ करना। लेकिन फिर भी आई मान गई, और वो भी आपकी वजह से। अच्छा, विनोद आई के साथ रहेगा तो हमें भी टेंशन नहीं होगी। इस बात की तसल्ली रहेगी कि कोई है उनका ख्याल रखने वाला यहाँ, और जरूरत पड़ने पर पूर्वी भी अपने काम से बाहर जा सकती है। चलो चलते। सोन, अर्चना देशमुख जो है वो कहत रही कोनो बरसा जिंदा है, कोनो सोहम जिंदा है। तुहार वजह से हम राणा को अपने आप से दूर कभी नहीं करेंगे। हम दोनों के बीच में जो भी आएगा ना, टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे हम उसका। सब मेरी गलती है। मैं सोहम को हार चुराने से रोकने के लिए ताई के यहाँ नहीं जाती तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। अब मुझे जल्द से जल्द यहाँ से पटना जाना होगा। लेकिन ताई और जीजू ने मुझे ढूंढने के लिए पूरे शहर में पुलिस तैनात कर दी है। नहीं, उन्हें चकमा देने के लिए मुझे ऐसा कोई प्लान बनाना होगा जिससे मेरा काम भी हो जाए और मेरा नाम भी सामने ना आए। क्या भाई, चाय कैसी लगी? अच्छी लगी। पैसा तो दो भाई। अबे देता हूँ ना, कहाँ भागे जा रहा हूँ। पहले का भी सब बाकी भाई। बे चुप, दो कौड़ी के चाय वाले मुझे आकर दिखाता है। कितने पैसे चाहिए बोल, बोल कितने चाहिए। भाई साहब, आपने मुझे भाई साहब कहा? जी, दरअसल बात यह है कि मेरा एक छोटा सा काम है। और काम? हाँ, बहुत छोटा काम है। अगर वो काम आप करेंगे तो उसके बदले मैं आपको पैसे भी दूंगी, और वो भी तुरंत। बताइए बताइए क्या काम।